मध्य प्रदेश में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते कई स्थानों पर घटनाएं हो रही हैं। ये खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं। आज नर्मदा नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पानी बढ़ने से भी स्थितियां गंभीर हो रही हैं। चार युवक आज नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू में फंस गए। फंसे चार युवकों को निकालने की कोशिश जारी है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ऐसे में रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही है। ड्रोन के माध्यमों से युवक पर नजर रखी जा रही है। ये घटना बता दें आपको, भेड़ाघाट थाने के गोपालपुर इलाके में चार युवक फंस गए। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा। शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त जबलपुर से। शिव, चार लोग टापू में फंस गए हैं, क्या स्थिति है वहां पर? जी, ये पूरा मामला जो है भेड़ाघाट के गोपालपुर इलाके का है, जहां पर जो चार युवक हैं वो फंसे हुए हैं, जो मछली पकड़ने वहां पर गए थे। वहीं मैं बता दूं कि अभी जो है जबलपुर एसपी और जो जबलपुर कलेक्टर सौरभ को वहां समन है, वो मौके पर मौजूद हैं। वहीं रेस्क्यू पार जो होमगार्ड और जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी भी जो जो युवक हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। ड्रोन से पूरी निगरानी अभी भी रखी जा रही है। अभी पुलिस मौके पर है और एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम मौके पर है। जी शुक्रिया शिव।